सब कुछ जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 27 से। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 27 से आइए देखते हैं। बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे, और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है और न्याय का वचन कहता है, और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनो, यहां परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि हे भाइयों, हे मेरे लोगों, हे मनुष्य के संतानों, तुम क्या करो, बुराई को छोड़ो और भलाई का काम करो। कहता है हर बुरे काम, हर गंदे काम जो आज तक तुमने किया है, कहता है हर उन गंदे कामों को, हर बुरे कामों को छोड़ दे और भलाई का काम कर। कहता है हर बुरे काम को छोड़कर भलाई का काम कर, तो क्या होगा, तू हमेशा सर्वदा हमेशा के लिए बना रहेगा, नष्ट नहीं होने पाएगा, तू हमेशा के लिए बना रहेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को न तजेगा, और वह अपने भक्तों को कभी त्यागेगा नहीं। जितने उसके भक्त हैं, यानी जितने उसको चाहने वाले, जितने उससे प्रेम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को कभी त्यागेगा नहीं, वह सदैव उनके प्राणों की रक्षा करेगा। कहता है कि वचन में लिखा गया है कि वह अपने भक्तों को न तजेगा, उनकी तो रक्षा सदा होती रहेगी, उनकी रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाए, परंतु जितने दुष्ट जन होंगे उनके वंश को समाप्त कर दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है कि जितने दुष्ट जन हैं जो मेरे मार्ग से विपरीत चलते हैं, कहता ऐसे जनों को, जो ऐसे जन का वंश है, वह उनका वंश ही खत्म कर दिया जाएगा, उनका वंश नष्ट कर दिया जाएगा। कहता है धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जितने धर्मी जन है वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और कहता है कि उसमें हमेशा के लिए बसे रहेंगे, इस पृथ्वी पे हमेशा के लिए बसे रहेंगे। कहता है धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बात करता है, जो धर्मी जन होता है वह अपने मुंह से हमेशा बुद्धि की बातें निकालता है, और वचन कहते, वचन में लिखा गया है कि जो धर्मी जन है वह मुंह से हमेशा धर्म की बातें निकालता है और न्याय का वचन कहता है, न्याय का वचन कहता है, धर्म की बात अपने मुंह से निकालता है, लेकिन जो शब्द निकालता वह न्याय का शब्द निकालता है। कहता है कि उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। कहता है कि जो धर्मी जन होता है ना, उस धर्मी जन के परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसके हृदय में बनी रहती है, धर्मी जन के हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था हमेशा बनी रहती है। वचन कहता है कि उसके पैर नहीं फिसलते,
जो धर्मी जन होते हैं उनके पैर कभी फिसलते नहीं, वह जख्मी नहीं होते, वह उदास नहीं होते, निराश नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन की उदासियों को दूर करता है, उन्हें बहुतायत की आशीष देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, यदि सच में आप उस परमेश्वर के द्वारा आशीष पाना चाहते हो, उस परमेश्वर की अधीनता में हो जाइए, उसकी महिमा करिए, बुराई को छोड़िए और भलाई का पीछा करिए, भलाई के पीछे हमेशा दौड़ते रहिए और हमेशा परमेश्वर की महिमा करिए, उसका भय खाइए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपको मनचाहा वरदान की आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करता हूँ, जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता, जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं इतना धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इनके शरीर को छू ले, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के अरक्कस से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तूने हे परमेश्वर जो वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित होगा, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास से चंगा कर। मेरे प्रभु जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके सारे पाप सारे गुनाहों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि हे परमेश्वर इनके पाप गुनाह क्षमा होने पाए। और हे परमेश्वर आज पूरे दिन के द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा ले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई प्रकार की दुर्घटना न होने पाए, हे परमेश्वर जितने भी उपद्रव है वह सब कुछ खत्म होने पाए, हर दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई भी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाए, हर प्रकार की घटना दुर्घटना से प्रभु इन्हें बचा और इन्हें बिल्कुल सुरक्षित भला चंगा रख। हाँ मेरे प्रभु आज ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे भले चंगे रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में ऐसी महिमा की आशीष भर दे, ताकि इनके शरीर में जितने रोग बीमारियां हो दूर हो जाए। हे परमेश्वर इनके मस्तक में तकलीफ हो मस्तक की तकलीफें निकल जाए, आंख में बीमारी हो आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी हो कान की बीमारी, इनके दांत में बीमारी हो दांत की बीमारी निकल जाए, गले में तकलीफ हो गले की तकलीफें निकल जाए, नाक में कोई तकलीफ हो नाक की तकलीफें निकल जाए, सीने में तकलीफ हो सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारियां बिल्कुल नष्ट होने पाए, कमर में है तो कमर का दर्द कमर का चुभन नष्ट होने पाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके कमर का दर्द रीढ़ की हड्डियों का दर्द बिल्कुल गायब होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके शरीर के अंदर हर एक जोड़ों का दर्द गठियाबाद की बीमारी साटिका की बीमारी बिल्कुल बाहर निकलने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर के जीवन में तू महिमा की आशीष भर दे, ताकि इनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, कि इनके शरीर के अंदर इनके पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर होने पाए। हे परमेश्वर ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी दमा एचआईवी टीबी कैंसर कैंसर की बीमारी निकल जाए, किसी भी प्रकार का कैंसर हो तो दूर होने पाए, जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो चंगा हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, उनका ब्लड से हे परमेश्वर इनके शरीर का ब्लड बढ़ना चालू हो जाए, प्लेटलेट्स बढ़ना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर इनके शरीर में सूजन है तो खत्म हो जाए, सूजन खत्म होने पाए, किसी भी प्रकार के दर्द पीड़ाएं बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर से लकवे की बीमारी बिल्कुल खत्म होने पाए, ट्यूमर की बीमारी हो तो निकल जाए, ट्यूमर शरीर छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर के शरीर में गैस बनती गैस की बीमारी बिल्कुल खत्म होने पाए, हर प्रकार की गैस की तकलीफें बिल्कुल नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके शरीर के भीतर से हर प्रकार की तकलीफें बाबा सिर की तकलीफें हे परमेश्वर के शरीर से खत्म होने पाए, बाबा सिर की गांठें बिल्कुल नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया सरोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए दुष्ट आत्मा, महान परमेश्वर प्रार्थना करते आकाश का झरोखा खोल महिमा की आशीष से भर दे, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते,
मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके शरीर पे तू अपने आशीष को आने दे, ताकि तेरे आशीषों के द्वारा बिल्कुल भला चंगा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर तू अपनी दया दृष्टि इनके ऊपर डाल, अपने ज्ञान बुद्धि से भर दे। जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई की छत्र पे आशीष दे, ताकि वो आत्मा में भर कर तेरी सेवकाई करने पर। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हरे के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को सुने, रिखा बासंदु सबर अवस्थे ले रे बास्ता खाला बासंदु होरी 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 होरी। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हर एक के जीवन में अपनी आत्मिक अभिषेक उतरने दे, ताकि हर कोई आत्मा में भर कर तेरे नाम की महिमा करने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इस बात के लिए कि परमेश्वर हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष भर दे। हाँ मेरी प्रभु, अब प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके घर परिवार रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति परिवार में शांति। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के स्त्राप से छुटकारा पाए, कर्ज है तो कर्ज अदा हो जाए हे परमेश्वर, घर नहीं तो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे प्रभु इनके जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा होने दे। हाँ मेरे महान प्रभु प्रार्थना करते पिता यीशु राजा तेरे नाम में मांगते हैं, आमेन। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या दसवां अंश देना चाहते हैं, तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4-3-5-7-0-2-0-1-0-0-8-9-7-3-3 और IFC कोड है UBIN 0543578 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा। अपना दान या दसवां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।